आज हम लोग शेमुसी भाग दो का चतुर्थ चैप्टर शिशु लालनम का हिंदी रूपांतरण पढ़ेंगे और प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। तो आइए हम लोग पाठ की शुरुआत करते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत वाङ्मय के प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला के पंचम अंक से संपादित कर लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध नाटककार दिंगनाग है। इस नाट्यकांश में राम, कुश और लव को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु वे दोनों अति शालीनता पूर्वक मना करते हैं। सिंहासनारूढ़ राम, कुश और लव के सौंदर्य से आकृष्ट होकर उन्हें अपनी गोद में बैठा लेते हैं और आनंदित होते हैं। पाठ में शिशु स्नेह का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया गया है। इस पाठ के माध्यम से हम लोग यह शिक्षा ग्रहण करते हैं कि रामायण के नायक श्री राम का पुत्र वात्सल्य एवं सीता के प्रति अनुपम अनुराग यहाँ परिलक्षित हो रहा है। लव कुश के प्रति राम की स्वाभाविक प्रीति रह रहकर प्रस्फुटित हो रही है और पुत्रों को गोद में बिठाकर राम द्वारा उन्हें दुलार देना, उन्हें प्यार देना, इसका मनोहारी चित्रण किया गया है। यहाँ रामायण के रचयिता आदि कवि वाल्मीकि की और लव कुश द्वारा वर्णित विष्णु कथा की प्रशंसा करने के साथ साथ इसे पढ़ने और सुनने वाले को भी आनंदित एवं पवित्र करने की सामर्थ्य का वर्णन करके इसे अलौकिक महत्व प्रदान किया है। तो आइए अब हम लोग इसका संस्कृत अनुवाद यानी उसका हिंदी रूपांतरण पढ़ते हैं। सिंहासनस्थ रामः, राम सिंहासन पर विराजमान है। ततः प्रविशतः विदुषकेन उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ। इसके बाद विदुषक के द्वारा उपदिश्यमान मार्गौ बताए जाते हुए रास्ते पर तापसौ दो तपस्वी कुशलवौ कुश और लव प्रविशतः प्रवेश करते हैं। विदुषक इत आर्जौ, हे आर्जौ इधर से कुशलवौ कुश और लव रामस्य समीपम उपसृत्य प्रणम्य च, राम के पास जाकर और प्रणाम करके। अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज का कुशल है? तो राम हराम कहते हैं युष्मत दर्शनात् कुशलम इव, आप दोनों के दर्शन से कुशल ही हैं। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, क्या हम यहाँ भवतो आप दोनों के कुशल प्रश्नस्य कुशलता पूछने के ही भाजनम पात्र हैं? क्या हम यहाँ आप दोनों के कुशलता पूछने के ही पात्र हैं? न
पुनः अतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, अतिथि के लिए उचित समुचित उचित कंठाश्लेषस्य गले लगने के न नहीं अर्थात आलिंगन करने के नहीं, परिसजस्व गले लगकर, अहो हृदय ग्राही स्पर्श, अरे हृदय को स्पर्श करने वाला यह स्पर्श है, हृदय को आकर्षित करने वाला यह स्पर्श है, हृदय को छू लेने वाला यह स्पर्श है। आसनार्धम उपवेशयति, आधे आसन पर बैठाते हैं, आधे आसन पर बैठाते हैं उभौ दोनों। राजासनम खलवेतत, एतत खलु राजासनम, निश्चय ही यह राजा का आसन है। न युक्तम अध्यासितुम, इस पर बैठना उचित नहीं है। रामः सव्यवधानम न चारित्र लोपाय, रामः राम कहते हैं सव्यवधानम रुकावट सहित, बीच का व्यवधान, न चरित्र लोपाय शिष्टाचार के लोप के लिए नहीं होता है। रुकावट सहित चरित्र अर्थात शिष्टाचार के लोप के लिए नहीं होता है। सव्यवधानम न चारित्र लोपाय, रुकावट सहित अर्थात व्यवधान बीच का व्यवधान चरित्र के लोप के लिए नहीं होता है। तस्मात् अंकम व्यवहितम अध्यासताम सिंहासनम, इसलिए गोद से युक्त सिंहासन पर बैठो। तस्मात् अंक व्यवहित अध्यास्यताम सिंहासनम, इसलिए गोद से युक्त सिंहासन पर बैठो। अंकम उपवेशयति, गोद में बैठाते हैं उभौ दोनों। अनिच्छाम नाटयतः, अनिच्छा का अभिनय करते हुए, राजन हे राजन, अलम अति दाक्षिण्येन, अत्यधिक कुशलता न करें। तो राम कहते हैं अलम अति शालीनतया, अत्यधिक शालीनता आप लोग भी न करें, या अत्यधिक शालीनता को आप लोग भी रहने दें। अब श्लोक कहता है कि भवती शिशु जनो वयो अनुरोधात गुण महताम अपि लालनीय एव, ब्रजति हिम करो अपि बाल भावात पशुपति मस्तक के तक छदत्वम। फिर से देख ले, भवती शिशु जनो वयो अनुरोधात गुण महताम अपि लालनी एव, ब्रजति हिम करो अपि बाल भावात पशुपति मस्तक के तक छदत्वम। अन्वय करते हैं, अन्वय के साथ देखते हैं कि गुण महताम अपि वयो अनुरोधात शिशु जनः लालनीयः एव भवति, बाल भावात ही हिम करह अपि पशुपति मस्तक के तक छदत्वम। फिर से ध्यान देंगे कि गुण महताम अपि वयः अनुरोधात शिशु जनो लालनीय एव भवति, बाल भावात हिम करह अपि पशुपति मस्तक केतक छदत्वम ब्रजति। कहता है कि गुण महताम अपि, अत्यधिक गुणी लोगों के लिए भी वयो अनुरोधात
छोटी उम्र के कारण बालक भी लालनीय एव भवति, शिशु जनः लालनीय एव भवति, लालनीय ही होता है, दुलार करने योग्य होता है। कैसे कि बाल भावात हिमकरह अपि, बाल भाव के कारण चंद्रमा भी के पशुपति मस्तक, शंकर के मस्तक का आभूषण बनकर केतकी पुष्पों से निर्मित जूड़े की भांत सुशोभित होता है। बाल भावात हिमकरह अपि पशुपति मस्तक के तक छदत्वम, बाल भाव के कारण चंद्रमा भी भगवान शंकर के मस्तक का आभूषण बनकर केतकी पुष्पों से निर्मित जूड़े की भांति सुशोभित होता है। आगे आते हैं तो कहता ऐसा भवतो सौंदर्य अवलोकित जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि, यह आप दोनों की सुंदरता को देखने से उत्पन्न उत्सुकता के कारण, कौतूहलेन उत्सुकता के कारण पृच्छामि पूछता हूँ। क्षत्रिय कुल पितामहयो, क्षत्रिय कुल के पितामहो यानी पिता के भी पिता सूर्य चंद्रयो, सूर्य और चंद्र को वा भवतो वंशस्य कर्ता, कौन दोनों आप दोनों किस वंश के कर्ता है? तो लव कहता है भगवन सहस्त्र दीधीति ही, भगवान हम लोग सूर्य वंश के कर्ता है, हम लोग सूर्य वंश से उत्पन्न है। राम कहते कथम अस्मत् समानाभिजनौ संवृतौ, कैसे हमारे समान कुल से उत्पन्न हुए हो गए, अर्थात हम एक ही कुल में पैदा हुए हैं। तो विदुषक कहते हैं किम द्वयोः अपि एकम एव प्रतिवचनम्, क्या द्वयोः अपि दोनों का भी एक ही प्रतिवचनम प्रति उत्तर है, आप दोनों का एक ही उत्तर है? तो लव कहते हैं कि भ्राता रऊ आवाम सुदर्यऊ, हम दोनों सहोदर भाई हैं, हम दोनों सगे भाई हैं। राम कहते हैं समरूपः शरीर सन्निवेशः, शरीर की बनावट भी समान है, वयस्तु न किंचित अंतरम, उम्र का भी कोई अंतर नहीं है या उम्र में भी कुछ अंतर नहीं है। तो लवह लव कहते आवाम यमलौ, हम दोनों जुड़वा है। राम अब ठीक है, संप्रति युज्यते अब ठीक है, किम नाम धेयम, आप दोनों का नाम क्या है, क्या नाम है आप दोनों का? तो लव कहते हैं आर्यस्य वंदनायाम लव इति आत्मानम श्रावयामि, आर्य की वंदना में लव यह अपने आप को इति आत्मानम अपने आप को श्रावयामि सुनाता हूँ। कुसम निर्दिश्य कुश की ओर निर्देश करके आर्यो अपि गुरु चरण वंदनायाम, आर्ज भी गुरु चरणों की वंदना में। तब तक कुश स्वयं बोलते हैं अहम अपि कुश इत्यात्मानम इति आत्मानम श्रावयामि, मैं भी कुश यह अपने आप को सुनाता हूँ, अर्थात कुश नाम से मैं अपना परिचय आपको देता हूँ। कहते राम अहो उदारतम्यः समदुचारः, अहो उदारतम्यः अरे
उदारतम यह अत्यधिक उदारतम उदात्तरम यह अत्यधिक मनोहर शिष्टाचार है। किम नाम देवो भवतो गुरु, आप दोनों के गुरु का नाम क्या है, आप दोनों के गुरु का नाम क्या है? तो लव कहते हैं ननु भगवान वाल्मीकि, निश्चय ही भगवान वाल्मीकि। किस संबंध से, केन संबंधेना, किस संबंध से? तो कहते हैं लव उपनयनोपदेशेन, उपनयन संस्कार यानी जनेऊ संस्कार की दीक्षा देने के कारण। राम कहते हैं रामः अहम् अत्र भवतो जनकम् नाम तो वेदितुम् इच्छामि, अहम् अत्र भवतो मैं यहाँ आप दोनों के जनकम् पिता के नाम तो नाम को जानना चाहता हूँ। तो लव कहते हैं नहीं जानामि अस्य नामधेयम्, मैं इसके नाम को अर्थात मैं अपने पिता के नाम को नहीं जानता हूँ। अहम् न जानामि अस्य नामधेयम्, मैं इसके नाम को नहीं जानता हूँ। न कश्चित् अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, कोई इस तपोवन में उनके नाम का व्यवहार भी नहीं करता है। रामः, राम कहते हैं अहो महात्म्यम, अरे कितनी महानता है, कितना बड़प्पन है। कुसह कुस जानामि अहम् तस्य नामधेयम्, मैं उनके नाम को जानता हूँ। तो राम कहते रामः कथ्यताम कहो, तो कुस कहते निर्णुक्रोशो नाम, निर्णुक्रोश अर्थात निर्दयी, निर्दयी है उनका नाम। तो राम कहते हैं कि वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम्, वयस्य हे मित्र अपूर्वम, अपूर्व अर्थात खलु मतलब निश्चय है, निश्चय ही यह नाम अपूर्व है, यह निश्चय ही यह नाम अद्वितीय है। विदुषक विचिन्त्या सोच करके एवं तावत पृच्छामि, तो इस प्रकार पूछता हूँ कि निर्णुक्रोश इति क एव भणति, निर्दय यह कौन इस प्रकार से बोलता है, निर्दयी यह कौन ऐसा बोलता है? तो कुस कहते हैं अम्बा, अम्बा मेरी माताजी बोलती है। तो विदुषक कहते हैं किम कुपिता एव भणति उत प्रकृतिस्था, क्या क्रोध में होने पर ऐसा बोलती है अथवा स्वाभाविक रूप से ऐसा स्वभाव से बोलती है? तो कुस कहते हैं यदि आवयो बाल भाव जनितम किंचित अभिनयम पश्यति, यदि हम दोनों के बाल भाव अर्थात बचपन से उत्पन्न किंचित अभिनयम कुछ उदंडता देखती है, तदा एवं अधिक्षिपति तो हम लोगों को आक्षेप करती है निर्णुक्रोशस्य पुत्रौ, निर्दयी के पुत्र माँ चपलम, निर्दय के पुत्रो माँ चपलम चापलम चंचलता मत करो। विदुषकः, विदुषक कहते हैं एतयोः यदि पितुः निर्णुक्रोशो क्रोश इति नामधेयम् एतयोः जननी तेन अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ निर्भर्त्सयति। कथा एतयोः यदि, यदि इन दोनों के पिता निर्णुक्रोश निर्दय इति नामधेयम् नाम है, तो एतयोः जननी इन दोनों की माँ
तेन अवमानिता, उसके द्वारा अपमानित या तिरस्कृत, तथा निर्वासिता निकाल दी गई होने के कारण, एतेन बचने न, इस वचन से दारकौ दोनों पुत्रों को निर्भत्स्यति, धिक्कारती है, धमकाती है। रामः स्वगतम, अपने मन में, धिंग माम एव भूतम, अपने मन में ही कहते हैं इस प्रकार मुझे धिक्कार है। धिंग माम एव भूतम, सा तपस्विनी मत कृतेन अपराधेन स्व अपत्यम एव मनु गर्भैरक्षैर निर्भर्त्यति, वह तपस्विनी बेचारी मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण अपनी स्व अपत्यमेव अपने संतान को इस प्रकार क्रोध से वचनों से, क्रोध से भरे वचनों से निर्भर्त्यति, धिक्कारती है, फटकारती है, धमकाती है। सवाष्प अवलोकयति, क्या सवाष्पम अवलोकयति, आंसुओं के साथ देखता है। राम अति दीर्घा प्रवासो अयम दारुणश्च, यह प्रवास बहुत लंबा और दारुणश्च कठिन है, कठिनाई को देने वाला है। विदुषम अवलोक्य जानांतिकम, विदुषक को देखकर और ओट लगाकर। कौतूहलेना विष्टो मातरम अनयोह नाम तो वेदितुम इच्छामि, कौतूहलेना उत्सुकता बस या उत्सुकता से पूर्ण मैं इन दोनों के मातह इन दोनों के माता के नाम को वेदितुम इच्छामि, जानना चाहता हूँ। न जुक्तम च स्त्रीगत मनोयुक्तम, स्त्री के विषय में पूछताछ करना उचित नहीं है, विशेषतः तपोवने, विशेष रूप से तपोवन में। तत् कोत्र अभ्युपाय, तो दूसरा क्या उपाय है, तो दूसरा क्या उपाय है। विदुषक जानांतिकम ओट करके, अहम पुनः पृच्छामि, मैं पुनः पूछता हूँ। प्रकाशम प्रत्यक्ष रूप से, किम नाम धेया जोय हो जननी, तुम दोनों की माता का नाम क्या है। तो कहता है कि तस्याह द्वे नामानी, उनका दो नाम है। तो विदुषक कहते कथमेव, कैसे दो नाम है। तो कहते हैं तपोवन वासिनो देवी इति नामना आह्वयंती, तपोवन में रहने वाले देवी इस नाम से बुलाते हैं। भगवान वाल्मीकि वधु रीति, भगवान वाल्मीकि वधु नाम से बुलाते हैं। तो रामः अपिच इतस्तावद वयस्य, हे मित्रों इतस्तावद वयस्य, हे मित्रों क्षण भर के लिए इधर भी आ जाओ, मुहूर्त मात्रम, मुहूर्त मात्रम इतः तावत वयस्व, हे मित्रों मुहूर्त मात्रम क्षण भर के लिए इधर भी आ जाओ। विदुषक उपसृत्य पास जाकर, आज्ञापयतु भगवान, हे भगवान आज्ञा दीजिए। राम कहते अपि कुमारयोः अनयोः अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृतांतम, कहते हैं कि इन दोनों कुमारों के और हमारे वंश का वृतांत पूर्णतया समरूप समान है। ने पथ्ये पर्दे के पीछे से इति बेला संजाता रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते, इतना समय हो गया रामायण गान का कार्य किमर्थम न विधीयते, किस लिए नहीं किया जा रहा है। उभौ दोनों राजन उपाध्यायात दूतो अस्मान त्वरयति, हे राजन उपाध्यायात यानी गुरु के दूत हमें
शीघ्रता करने के लिए कह रहा है। तो राम कहते हैं, मया अपि सम्मानीय एव मुनि नियोगः, मुझे भी मुनि नियोगः यानी मुनि का आदेश सम्मान करने योग्य ही हैं। अब अन्वय करते हैं, श्लोक है मया अपि सम्मानीय भवन्तौ गायन्तौ भवन्तौ गायन्तौ कविः अपि पुराणो व्रतनिधिर पुराणो व्रतनिधिर गिराम संदर्भो अयम प्रथमम अवतीर्णो वसुमतिम कथा चेयम श्लाघ्या सरसी रुह नाभस्य नियतम पुनाति श्रोतारम रमयति च सो अयम परिकरः। अन्वय करते हैं तो कहता है, भवन्तौ गायन्तौ, आप दोनों गा रहे हैं, आप भवन्तौ गायन्तौ, आप दोनों गा रहे हैं क्या, पुराण पुराणो व्रतनिधिर कवि अपि, पुराणो व्रतनिधि कविरपि, तपोनिधि पुराण, मुनि वाल्मीकि की इस रचना, मुनि वाल्मीकि इस रचना के कवि है। आगे कहते हैं, वसुमतिम प्रथम अवतीर्णो गिराम संदर्भो अयम, वसुमतिम पृथ्वी पर पहला अवतार वाणी का यह संदर्भ है। सरसी रुह नाभस्य, भगवान विष्णु की इयम कथा, चेयम चजुड़ियम इयम कथा श्लाघ्या, भगवान विष्णु की यह कथा श्लाघ्या प्रशंसनीय है। सो अयम सह अयम निय परिकरह, परिकरह मतलब संजोग, यह संजोग नियतम निश्चित रूप से श्रोतारम पुनाति रमयति च, श्रोताओं को पवित्र करता है और आनंदित करता है। तो यह संजोग कौन कौन संजोग है, पहला संजोग आ रहा है कि महर्षि वाल्मीकि की यह कथा आप दोनों के मुख से सुना जा रहा है, आप दोनों गा रहे हैं। दूसरा है कि यह पृथ्वी पर पहली बार, वसुमतिम प्रथम अवतीर्ण, पृथ्वी पर पहली बार वाणी के रूप में यह संदर्भ आया है। तीसरा है कि भगवान विष्णु की यह कथा प्रशंसनीय है, और तीनों को सुनकर श्रोतारम सुनने वाले को यह तीनों कथा पवित्र करती है और आनंद प्रदान करती है। वयस्य हे मित्रो अपूर्वो अयम मानवानाम सरस्वत्यावतारः, अयम सरस्वत्यावतारः, यह सरस्वती का अवतार, अयम सरस्वत्यावतारः मानवानाम अपूर्वः, यह सरस्वती का अवतार मनुष्यों के लिए अपूर्व है। तत् अहम तदहम तत् अहम श्रुहित जनसाधारणम श्रोतुम इच्छामि, तो मैं भी जनसाधारण के साथ इस कथा को सुनना चाहता हूँ। सन्निधियंताम सभासदः, हे सभासदो बैठ जाइए, प्रेष्यताम अस्मत् अंतिकम सौमित्री, सौमित्री लक्ष्मण को कहते हैं, लक्ष्मण को भी मेरे पास भेज दीजिए। राम कहते हैं कि लक्ष्मण को भी मेरे पास भेज दीजिए। अहम अपि एतयोः चीरासनम चीरासन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि, मैं इन दोनों को चीरासनम एक ही आसन पर बैठे रहने के परिखेदम कष्ट को विहरणम भ्रमण
कृत्वा करके अपनयामी दूर करता हूँ। इति निष्क्रांता सर्वे, सभी निकल जाते हैं। तो आइए अब हम लोग प्रश्नोत्तर का अभ्यास कर लें। प्रश्नोत्तर आप लोग ध्यान से करेंगे कि रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्। तो उत्तर होगा कि रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः हृदय ग्राही आसीत्। दूसरा प्रश्न है कि रामः लवकुशौ कुत्र उपवेशयितुं कथयति। उत्तर होगा कि रामः कुशलवौ स्वांके उपवेशयितुं कथयति। तीसरा है बाल भावात हिमकरः कुत्र विराजते। तो बाल भावात हिमकरः पशुपति मस्तके विराजते। तीसरा अगला प्रश्न है कुशलवयोः वंशस्य कर्ता कः। तो कुशलवयोः वंशस्य कर्ता सहस्त्र दीधीति। अगला है केन संबंधेन वाल्मीकिः कुशलवयोः गुरुः आसीत्। उत्तर होगा उपनयनोपदेशेन वाल्मीकिः कुशलवयोः गुरुः आसीत्। अगला है कुशलवयोः मातरम् वाल्मीकिः केन नाम्ना आवयति। तो कुशलवयोः मातरम् वाल्मीकिः वधूरिति नाम्ना आवयति। अब देखिए राजन अलम दाक्षिणियेन, तो ये तृतीया विभक्ति है अलम जोगे। अब आसनार्धम द्वितीया विभक्ति उपविश योगे। धिंग माम एव भूतम द्वितीया विभक्ति धिक के योग में। अंकम व्यवहितम अध्यासताम सिंहासनम द्वितीया विभक्ति अधिसिंह अस्थासाम कर्म इस सूत्र से। अलम अति विस्तरेण तृतीया विभक्ति अलम के योग में। रामम उपसृत्य प्रणम्य च द्वितीया विभक्ति रामम उपसृत्य प्रणम्य च द्वितीया विभक्ति उपसर्ग युक्त धातु के योग में। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं जानाम्य अहम तस्य नामधेयम्। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम जानामि जोड़ अहम, तो अहम होगा। किम कुपिता एव भणति उत प्रकृतिस्था अस्मात् वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थकम् पदम चित्वा लिखत। तो हर्षिता का हो जाएगा कुपिता। क्या होगा? कुपिता। हर्षिता का होगा।